आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। इस समय हम फालका बाजार स्थित सिविल डिस्पेंसरी में आ चुके हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि आज पत्रकारों के लिए प्रशासन के द्वारा स्पेशल व्यवस्था की गई है कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कोरोना का खतरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि 100 का आंकड़ा ग्वालियर में रोज मरीजों का जो है वो पार होता जा रहा है, कोरोना की वैक्सीन लगाने को लेकर भी काफी भ्रम की स्थितियां बनी हुई है। कई लोग डरते हैं कि शायद कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद में कुछ और उनको इफेक्ट ना हो जाए, लेकिन यहां आज पत्रकारों ने आकर के वैक्सीन लगवाई है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप लोगों के लिए अलाउ नहीं लगना और किसी के लिए अलाउ नहीं लगना। कोरोना की वैक्सीन जो है वो सभी तो मना कर रहे हैं, वो सभी के लिए कि केवल आज प्रेस वालों को लगेगा और आप लोग जाइए बिठा ले क्यों रहते हैं। तो हमारे साथ में ग्वालियर शहर के वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अभी वैक्सीन लगवाई है। आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए और बताइए कि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सबको बोल के गई है लगाएंगे, बोल भी दिया कोविड की वैक्सीन हम लोगों ने लगवाई है। अभी समय की जो स्थितियाँ हैं स्थितियों को देखते हुए ये टीका लगवाना बेहद जरूरी है। और चूंकि पत्रकार परिवार है, पत्रकार जो जगत है, इससे जुड़े लोग फील्ड में रहते हैं और कई लोगों के संपर्क में आते हैं, लिहाजा सबसे बड़ी जरूरी उनकी खुद की सबसे पहली सुरक्षा है। जब वो सुरक्षित होंगे तो मैं समझता हूँ सुरक्षा के साथ दूसरों के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। कुल मिला के ये है कि वैक्सीन बहुत आवश्यक है और लगना चाहिए। सर आप थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को और वैक्सीन के लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी उस पर थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए जरा। मैं बच्चन बिहारी संपादक दैनिक आचरण बोल रहा हूँ। वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति तो अभी भी है और पहले भी थी, लेकिन इस भ्रम की स्थिति को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद हम लोगों को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि वैक्सीन कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। तो मैं मानता हूँ कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीनेटेड हो जाना आज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसकी भयावहता को समझना जरूरी है और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अपने परिजनों के साथ निकटतम अस्पतालों पहुंचकर वैक्सीन लगवा ही लेना चाहिए। आज जो सुविधा जो प्रशासन की द्वारा पत्रकारों के लिए दी गई है उसको लेकर के कुछ कहना चाहिए सर। ये प्रशासन की तरफ से आज बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, जो पत्रकारों को के लिए कैंप लगवाया गया और सभी पत्रकारों ने उत्साहवर्धक तरीके से कैंप तक पहुँचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया और बाकी अभी भी वैक्सीन लगाने का क्रम चल ही रहा है और पत्रकार लोग आते जा रहे हैं। बहुत से मेरे भाइयों ने तो सवेरे ही आकर वैक्सीनेटेड हो गए, लेकिन हमको आने में देर हुई, लेकिन अच्छा अनुभव रहा। प्रशासन को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए अलग से इंतजाम किया, क्योंकि व्यस्तताओं में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है पत्रकारों के लिए। और इस तरह से एक जगह कार्यक्रम आयोजित कर वैक्सीन लगाने का जो प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया वो बहुत अच्छा सराहनीय है। सर एक चीज़ जो है कि पत्रकार जो हैं वो उसमें 45 से ऊपर की जो वैक्सीन लगाई जा रही है ऐसा जो उसमें निर्देश आया था, तो जो पत्रकार 45 से नीचे के रह गए हैं क्या उनके लिए भी इस प्रशासन से कुछ मांग करेंगे कि उनको भी वैक्सीन लगाई जाए? बोलिए। तो वैक्सीन का जो लगाने का सिलसिला है वो अभी आगे और चलेगा, क्योंकि ये तो 15 वर्ष की उम्र से ही वैक्सीन लगेगा और ये अब 45 वर्ष के लोगों के लगने के से ऊपर के लोगों को लगने के बाद अब निचले क्रम के लोगों को लगाया जाएगा। जी। तो पूरे देश को वैक्सीनेटेड करना जरूरी है, तो इसलिए सरकार ने एक क्रमबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया है और धीरे धीरे सभी लोगों को वैक्सीनेटेड करने का कार्यक्रम। बहुत अच्छे, ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, ग्वालियर शहर के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं बच्चन बिहारी जी, बहुत नाम है पत्रकारिता जगत में इनके। इसी के साथ में हमारे एक और भाई हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं और काफ़ी समय से पत्रकारिता जगत में इनका नाम है, तो अपना थोड़ा सा परिचय आप अपने द्वारा ही दीजिए और बताइए कि वैक्सीन आज आपने लगवाई है। मैं उपाध्याय हूँ और मैंने अभी पर लगाया, काफ़ी सुरक्षित वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है। सुबह से कैंप लगा और मेरे को बिल्कुल फील भी नहीं हुआ, विद इन सेकेंड आपको पता ही नहीं लगेगा कब वैक्सीनेशन हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चल रहा है, हमारे साथ ही लगा रहे हैं कंटिन्यू, सुबह से वैक्सीनेशन चल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग थोड़ा डर रहे हैं
उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लगवाने से कुछ दूसरे इफेक्ट हो जाएगा या कुछ बीमारी हो जाएगी? देखिए, हिंदुस्तान अफवाहों का देश है, यहाँ अफवाहें चलती ही रहती है, अच्छा हो चाहे बुरा, अफवाहें चलती है। वैक्सीन सुरक्षित है? वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, और आप जब पैसा देकर वैक्सीनेशन बच्चों का भी कराते हो, कोई भी वैक्सीनेशन 100% क्योरेबल नहीं होता। आप ICMR की गाइडलाइन देखिए, कहीं भी देखिए, कोई वैक्सीनेशन 100% नहीं होता। यदि ये वैक्सीनेशन 70% 80% है, तो आप अपनी सुरक्षा में 70-80% की कैटेगरी में तो आ रहे हैं। अभी तो आप 0% पे खड़े हुए हैं विदाउट वैक्सीनेशन, या 80-70% में आ रहे हैं, कोई आप नहीं। तो पर्चे थोड़ा सा दीजिए और बताइए कि वैक्सीनेशन आपने अभी करवाया? मेरा नाम नीलकमल माहेश्वरी है, मैंने आज वैक्सीन कराया। ये प्रेस क्लब के माध्यम से कलेक्टर जी के सहयोग से आज डिस्पेंसरी में हुआ, फाल्के बाजार में, और इसका बहुत बड़ा लाभ है। जो फ्रंटलाइन हमारे पत्रकार साथी थे, सभी को लाभ मिला, और क्योंकि ग्वालियर में करीबन रोज आज की तारीख में 120 के ऊपर लगभग कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी कटौती भी होगी। और सभी लोगों से आग्रह है, सभी लोग लगवाएं, वैक्सीन का उपयोग करें, सरकार द्वारा निःशुल्क लगाई जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ में एक जो पत्रकार हैं, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लावा जी। लावा जी ने भी अभी वैक्सीन लगवाया। सर, कितनी तकलीफ हुई वैक्सीन लगवाने के बाद? वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, इंजेक्शन लगवाने में जो थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता है, मामूली सा, वो दर्द भी नहीं कहा जा सकता, उसको अपन दर्द नहीं कहेंगे। और ये जो मैडम यहाँ पे लगा रही हैं, इतनी निपुण हैं, इतनी अनुभवी हैं, कि उसका पता ही चलता है कि आपको इंजेक्शन या वैक्सीन कब लगे। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं, कि वो पुरानी बात नहीं है कि कष्ट होता हो। सर, प्रशासन ने आज पत्रकारों के लिए स्पेशल व्यवस्था की, तो प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को सभी पत्रकार लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि पत्रकारों की ओर से जो मांग उठ रही थी कोविड काल से, पिछले एक बार से हम लोग इसी बात के लिए प्रयासरत थे, सरकारों से आग्रह कर रहे थे कि जैसे कि ये हम भी कोरोना योद्धा हैं, हमें भी वैक्सीन लगाई है, तो समय पर उनने हमारी ये मांग स्वीकारी, सुनी। इसके लिए वो सरकारें भी धन्यवाद के पात्र हैं, आदरणीय कलेक्टर जी धन्यवाद के पात्र हैं, और हम उनको धन्यवाद। उसमें एक लाइन भी है कि 45 से ऊपर के ही पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जा रही है? नहीं, 45 से ऊपर के जो पत्रकार हैं, उनकी परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी उन्होंने कहा है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, हम सब लोगों के पास मैसेज आए हैं, और आप सब लोग भी इसी बात को प्रचारित करें हैं कि सभी पत्रकार साथी, उनके फैमिली मेंबर, पत्नी हैं, भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं, माँ हैं, सभी लोग लेके आए, उनको वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये अत्यधिक जरूरी है। अच्छा, यहाँ सिविल डिस्पेंसरी में जो सुविधाएं हैं पत्रकारों के लिए आज जो की गई थी, वो उससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, असुविधा की तो कहीं कोई बात थी ही नहीं, सभी पत्रकारों का बाकायदा जो भी तौर तरीके से एंट्री होती है, सभी एंट्री हुई, सभी लोगों ने अच्छा बर्ताव किया, सभी लोग अच्छे से पेश आए, सभी लोगों ने सभी का ध्यान रखा, कहीं भी ऐसी तिलवरी भी निगेटिविटी नहीं दिखी जो कि किसी को परेशानी हुई। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ, सभी लोग इस प्रयास में लगे रहे कि ये सब कुछ सिस्टमेटिक चलता रहे। आनंद त्रिवेदी। आपने टीका लगवा लिया? जी। तो कोई तकलीफ हुई क्या? मतलब कुछ घबराहट वगैरह कुछ नहीं हुई? लोगों के अंदर जो बहुत सारा भ्रम बना हुआ है टीका लगवाने को लेकर के, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर 45 से ऊपर है तो आए यहाँ पे केंद्र में जी, और कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूर। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सम्राट जी भी हैं, और उन्होंने भी यहाँ पर टीका लगवाया है, उनसे भी हम जानेंगे। सर, जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है पत्रकारों के लिए, उनके परिवार के लिए, तो उसके लिए प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या धन्यवाद देना चाहेंगे, किस तरीके से? नहीं, प्रशासन को तो धन्यवाद देना ही है, और धन्यवाद के पात्र हैं, एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है जी, और बहुत सहज भाव से हम लोगों को लेके रखते हैं। आप अकेले आए, परिवार में किसी को लेके आए? श्रीमती मेरे साथ जी, उन्होंने भी टीका लगवाया। टीका के लेकर जो भ्रम है, जो लोगों के मन में थे, वो जो मेरे मन में भी थे, वो यहाँ निरर्थक साबित हुए हैं, क्योंकि न तो टीका लगवाने में किसी को न बहुत समय जाया करना पड़ता है जी, और उसके बाद 10-15 मिनट की सावधानी, उसमें भी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि हमने कोई टीका लगाया है। और इसलिए आम जनता को जो व्यवस्था शासन ने की है, उसके अनुरूप जब भी और जहाँ भी अवसर मिले टीका लगवा लें। पत्रकारों के लिए प्रशासन ने जो आज एक अतिरिक्त सुविधा दी, उसके लिए मैं प्रशासन को पत्रकारों को टीके नहीं लगवाए हैं, इसलिए अभी पत्रकारों के लिए ऐसे और अवसर
सर 45 से नीचे के जो पत्रकार हैं उनको अभी नहीं टीका लग पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं है, इसके पीछे कारण ये है कि वैक्सीन जितनी उपलब्ध हो रही है उस हिसाब से जो तबका बहुत जरूरी है जी उसको वो पहले लगाया जा रहा है। अब जैसे 45 से नीचे के जो लोग अस्वस्थ हैं और जिन्हें जरूरी है टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अभी उन्हें सर कोरोना ग्वालियर में लगातार बढ़ता जा रहा है, 100 से ऊपर की रफ्तार लगातार हम देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से 100 से ऊपर की संख्या आ रही है, बावजूद इसके शहर में देख रहे हैं तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना कोई मास्क लगा रहा है, और टीका लगाने में भी लोग बड़ी मतलब ना ये समझ लीजिए कि मतलब बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जो आप जनता की वो देख रहे हैं लापरवाही, वो तो एक लंबे समय तक उन्होंने उसका निर्वाह किया और अचानक उनके हाथ से ढील आ गया, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा उनको और उनके आसपास जो लोग रहेंगे। लेकिन टीकाकरण जो आप कह रहे हैं उसमें एक तेजी आ रही है और अगले 15 दिनों में आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता में ये जागरूकता है और वो अपनी दवाई के हिसाब से टीका लगवाने खुद सोच। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीका लगाने का फायदा क्या है, इससे कोई है ना कोरोना तो रुकेगा नहीं, इससे तो कोरोना से कोई बचाव नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीके का जो प्रभाव है वो तो सिर्फ 1 साल तक ही रहेगा, तो उन ये बिल्कुल सोच गलत है जी। 1 साल में अगर ईश्वर ने चाहा तो कोरोना पूरी तरह से हमारा देश मुक्त हो जाएगा, और अगर जनता ने सोचा नहीं दी तो अभी तो तीसरा और चौथा इसका चरण आना है। 1 साल का अगर रोकथाम भी टीका करता है तो ये हमारी 50 की उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर जनता भी जागरूक हो जाती है तो हमारे देश से कोरोना से बचाव बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कहना है सुब्रत सम्राट जी का। मैडम ये हमारे साथ हैं, मैडम नमस्ते, कैसा लग रहा है टीका लगवाया आपने जी, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपको कैसी लगी? अच्छा, पत्रकारों के लिए प्रशासन ने और उनके परिवारों के लिए, अभी आपके जो पति हैं वो तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, शहर में बड़ा नाम है उनका, और आज सभी पत्रकारों के परिवार यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी जो वैक्सीन लगवाई है तो सरकार ने एक अलग से सुविधा दी, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से वैक्सीन लगी, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए प्रशासन? सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं तो, कि सब के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की और पत्रकारों को तो करना ही चाहिए उनके लिए। थैंक यू। अभी आपने टीका लगवाया जी, कोई तकलीफ हुई टीका लगवाने के बाद, कोई घबराहट वगैरह? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, टीका आपने लगवाया है, अभी बहुत सारे लोग टीका लगवाने नहीं आ रहे हैं, उनको भी संदेश देना चाहेंगे कोरोना बढ़ रहा है टीका लगवाना चाहिए? नहीं, 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 नहीं। सभी फैमिली ने लगवा लिया, मैंने सभी ने लगवा लिया और लोगों को बोलेंगे लगवाओ और लोगों को बोले लगवाए जी। यहाँ पर सिविल डिस्पेंसरी में मैं आपको बता दूँ कि पत्रकारों के साथ साथ और भी लोग हैं जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है, मैं उनसे भी कुछ बात करूँगा। माता जी कहाँ रहती हैं आप? वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं जी, वैक्सीन लगवाने अभी अभी नंबर मिल गया आपको? अभी कहाँ मिला है, क्या बोला है? अभी कह रहे हैं थोड़ी देर से लगाते हैं, थोड़ी देर से लगवाते हैं। आप अपना आधार कार्ड वगैरह सब लेकर के आए तो अच्छा, आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्यों लगवा रहे हैं, आपको कुछ पता है वैक्सीन का क्या फायदा होगा? अच्छा, आपको पता है नहीं जी, आपको पता है वैक्सीन का फायदा? कोरोना का डर है तो ठीक है, ये देख रहे हैं आपकी ये जो यहाँ पर जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मास्क लगा करके आए हुए हैं, पर शहर में आप देख रहे होंगे काफी लोग हैं जो कि है ना मास्क का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर इनको जो सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है, निःशुल्क जो वैक्सीन लगाई जा रही है आज यहाँ पर, हालांकि पत्रकारों के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर आम नागरिकों को भी वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर किया जा रहा है और उनकी भी वैक्सीन साथ साथ में यहाँ पर लगाई जा रही है। हमारे साथ में कुछ लोग और हैं वो भी आए हुए हैं, आप सर वैक्सीन लगवाने के लिए? जी 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 जी। क्या शुभ नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम राजीव जैन है, मैं अपना कैलाश टोकी रोड पर। सर सरकार के द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सरकार का प्रयास है ये, अच्छा काफी अच्छा प्रयास है, इससे अपन लोग और पूरा समाज कोरोना से बचेगा। 45 से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए, सरकार ऐसा बार बार आग्रह कर रही है, बावजूद इसके बहुत सारे लोग जो है घर पर बैठे हुए हैं वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं, ये उनके लिए कुछ ये थोड़ी नासमझी का उदाहरण पेश कर रहे हैं लोग, खुद को आना चाहिए, अपने निकल के आना चाहिए घरों से बाहर, निकल के आना चाहिए जी। श्रीमती ममता जैन। अच्छा, आप भी वैक्सीन लगवाने के लिए आए? अच्छा, कोरोना में हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, 100 से ऊपर केस डेली के आ रहे हैं,
उसके बावजूद भी शहर में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना मास्क लगा रहे हैं लोग, आप तो लगा करके आए हुए हैं, ठीक है, और वैक्सीन लगवाने के लिए भी जो सरकार निःशुल्क लगा रही है उसको लगवाने के लिए बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? डर है लोगों में कि कहीं वैक्सीन का साइड इफेक्ट वगैरह का डर है लोगों को, क्योंकि फीवर वगैरह आ रहा है जी लोगों के, किसी के उसमें चित्ते वगैरह भी हो गए तो लोगों में भय भी बना हुआ है। अच्छा, नहीं ऐसे फीवर तो क्या होता है कई बार बच्चों के टीका होता है जैसे उनके भी आता है टीका लगने के बाद होता है। अच्छा, आपको डर नहीं है ऐसे आप बता रहे हैं? डरेंगे तो फिर वैक्सीन कैसे लगवा पाएंगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे ग्वालियर के लोगों? लगवाना चाहिए वैक्सीन, तो लगवाना चाहिए। सिविल डिस्पेंसरी फालका बाजार में स्टाफ भी बेहद शांत एवं प्रसन्नचित्त भावना से लोगों की वैक्सीन लगा रहा था। RBS लाइव इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से मैंने पहल करते हुए वैक्सीन लगवाई। मेरे साथ पहुंची मेरी सासू माँ ने भी वैक्सीन लगवाई। तो RBS लाइव इंडिया पर आप इस समय लाइव देख रहे हैं कि यहाँ पर सिविल डिस्पेंसरी फालका बाजार में जो पत्रकारों और पत्रकारों के परिवारों के लिए वैक्सीनेशन का सेंटर लगाया गया था उसकी वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बहुत ही आसानी से मैडम ने वैक्सीन लगाई है, और ये पूरा स्टाफ जो है पूरा यहाँ पर जो प्रशिक्षित स्टाफ है, और ये अगर बुखार आता है या हफ्ते दर्द होते हैं तो RBS लाइव इंडिया पर इस समय हम यहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पर पत्रकारों और पत्रकारों के परिवारों के लिए वैक्सीनेशन लगेगी। मैडम आज सुबह से कितने पत्रकारों ने यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन करवाया? 100 से ज्यादा, और उनके परिवार के लोग भी। किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा है कि वैक्सीन लगवाने को लेकर डर रहे हैं, अभी भी सरकार 4500 ऊपर के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगा रही है, बावजूद इसके लोग डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ना वैक्सीन लगवाने के बाद में बहुत सारी अफवाहें शहर में उड़ रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? गलत अफवाह है ये तो जी, क्योंकि थोड़ा सा बुखार आता है, सिर में दर्द होता है और कुछ नहीं है, उसके बाद बिल्कुल अपन जी ये तो नॉर्मल ही है जी। क्या शुभ नाम है आपका? आप यहीं पर डिस्पेंसरी में विभूत है जी। जय श्री विभूति। हमारे साथ में एक मैडम हो रहे हैं, मैडम आपका शुभ नाम क्या है? आप यहीं सिविल डिस्पेंसरी में जी। अच्छा, वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है, कोई असुविधा हो रही है क्या? नहीं, किसी भी तरह की? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो 45 के अभी नीचे हैं फिर भी वो कह रहे हैं कि मैडम हमारी वैक्सीनेशन कर दो। अच्छा अच्छा मैडम, एक चीज पूछना है कि जो वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाई जा रही है तो वो पत्रकारों के लिए तो कैंप है, लेकिन पत्रकारों के अलावा अगर कोई आ रहा है तो उनके लिए लगा रहे हैं। हां, कम से कम हमारे 250 आज कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई। अच्छा, पत्रकार जो मेरी माता जी हैं वो भी यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आई हैं। रेखा पाटिल जी, आपको अभी यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई है, कोई तकलीफ हो रही है? सही लग रहा है? जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? लगवाना चाहिए, मेरे सबको लगवाना चाहिए, सभी को लगवाना चाहिए। तो RBS लाइव इंडिया पर आज यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर से इतना ही, और अभी आपसे आपने देखा कि बहुत सारे पत्रकारों से हमने बातचीत की, सभी का एक कहना था यहाँ पर जो स्टाफ है उनका भी और पत्रकार है जो उनका भी, कि आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं क्योंकि सरकार के द्वारा ये वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है, और इसके अलावा ये आपको कोरोना से बचाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। सिविल डिस्पेंसरी फालका बाजार ग्वालियर से मैं संजय भारद्वाज अपने सहयोगी सचिन दुबे के साथ।